मौलाना अरशद मदनी जी हैं। सर, आज आपने कहा कि आप जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा है उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने ये भी कहा कि वहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है वो 400 साल से बनी हुई है और वो हमेशा वही रहेगी, आपकी प्रेस रिलीज में भी कहा गया है। हाँ, ये हमारा एक मजहबी नियम है कि मस्जिद जिस जगह है वहाँ मस्जिद ही रहेगी। मसले की बुनियाद इसके ऊपर है कि आया ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है या मंदिर तोड़कर नहीं, ये एक आम जगह के ऊपर मस्जिद को बनाया गया है। हमने उसके लिए सबूत और कानून को पेश किया है। मान लीजिए अगर हमारे उन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट सबूत सही नहीं समझता है और फैसला उसके खिलाफ देता है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये मानना कि वहाँ मस्जिद हमेशा से है, सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम नहीं करता, तो हमने कहा कि जो भी फैसला वो करेगा वो हमारे मुल्क की आखिरी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, मुल्क हमारा है, अदालत हमारी है, कानून हमारा है, वो जो फैसला करेगा हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन मौलाना साहब अभी भी कह रहे हैं कि फैसला जो होना चाहिए वो आस्था पर नहीं होना चाहिए, न्याय और कानून पर होना चाहिए। दिल की ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की जगह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो कानून की जगह है, वहाँ जो काम होता है कानून की बुनियाद पर होता है। हाई कोर्ट ने ये गलती की है कि आस्था की बुनियाद के ऊपर फैसला किया है। हमारी ये उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो आस्था की बुनियाद पर नहीं, वो कह भी चुका है पहले कि ये कानून की जगह है, यहाँ कानून के मुताबिक फैसला होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे राजीव धवन वकील ने जो बहस की है बहुत कीमती और बेहतरीन बहस की है, इसलिए फैसला हमारे हक में होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोर्ट हमारे सबूतों को सबूत नहीं समझता है और फैसला उसके खिलाफ आता है, हम कहते हैं कि हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन हम जनता से ये कहते हैं कि मुसलमान हो कि हिंदू हो, वो ऐसा माहौल न पैदा करें जिससे किसी दूसरे फरीक को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि हर सूरत में वो ऐसा ही बयान दें, ऐसा ही मामला करें, ऐसा ही रहन सहन बनाएं जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत हो, नफरत और मुखालफत ना हो। आपके साथ साथ आरएसएस से मोहन भागवत जी की भी मुलाकात हुई, क्या कुछ निकल कर आया उस मुलाकात में? यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारी जिस नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक हुआ था वो नुक्ता था प्यार और मोहब्बत का हिंदू मुस्लिम के दरमियान में। उनके बयानात उसके बाद जो कुछ आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि वो उसकी तरफ चल रहे हैं। लेकिन हमारी और उनकी बात, ये बात पहले दिन हुई थी मुलाकात में, उन्होंने कहा था कि भाई हम तेज़ नहीं चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं और जहाँ तक आप चलेंगे वहाँ तक हम आपके साथ हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता चलिए। हमारा मानना यह है कि मुल्क के अंदर अगर प्यार और मोहब्बत को आरएसएस लेकर के चलेगी तो बहुत कीमती चीज़ होगी और मुल्क के अंदर नफ़रत की सियासत का खात्मा उसी वक्त हो सकता है जब आरएसएस जैसी पार्टी और जमात हमारे साथ हो। इसलिए मुझे उसकी मेरे दिल के अंदर बड़ी कीमत है और मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, और आइंदा भी अगर मुलाकात होगी तो वो अच्छी ही रहेगी। उनके बयानात भी इस सिलसिले के अंदर जो आए हैं, हम ये समझते हैं कि वो एक इनकलाब है मुल्क के अंदर और इनकलाब अच्छे रुख के ऊपर चल रहा है और पैदा होगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा चैन और अमन की जो अपेक्षा की जाती है वो मुस्लिम पक्ष से ही क्यों की जाती है, क्या कहेंगे इस पर? जब आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे तो फिर ये बात कौन कह सकता है। मैं समझता हूँ कि अब हिंदू और मुसलमानों की तरफ से, दोनों की तरफ से मिलजुल कर ये बात आ रही है, तो अल्लाह ऊपर वाला अगर चाहेगा तो हम इसमें कामयाब होंगे। अमित शाह के एनआरसी के बयान से क्यों नाराज़ हैं आप? इसलिए कि उसके अंदर फ़िरका परस्ती की बू आती है। उन्हें जो बात हिंदू के लिए वो कह रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी के लिए कहना चाहिए मज़हब से ऊपर उठ कर के, लेकिन वो सब के लिए कह रहे हैं और जानबूझकर मुसलमान को उससे निकाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने हलफ लिया था पार्लियामेंट के मेंबर होने के बाद, ये उस हलफ के ख़िलाफ़ है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर की मुआफ़त नहीं है बल्कि उसकी मुखालफत है। मॉब लिंचिंग पर भी आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अभी भी डर में है, सहमा हुआ है, मॉब लिंचिंग पर भी आपने बातचीत की।
इसलिए कि गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं ला रही है। गवर्नमेंट मरकज़ ही की नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है वो मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं ला रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, जहाँ बंगाल के अंदर कांग्रेस की भी हुकूमत नहीं है, वहाँ मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून आ अगर नहीं आए तो जहाँ बीजेपी की हुकूमत वहाँ नहीं आए। इसका मतलब है कि मरकज़ ने उनके ऊपर ज़ोर नहीं दिया। ऐसी जगह जहाँ कितने मॉब लिंचिंग के कैसे घिनौने केस हो चुके हैं, झारखंड जैसी जैसा आज तक कानून नहीं बना, इससे ये इशारा मिलता है उन गुंडा अनासिर को जो कानून को अपने हाथ में लेकर काम कर रहे हैं कि मरकज़ उनके साथ है, वो जो जी चाहे करें। ये बात ख़राब है। अगर गुंडा अनासिर को अपने हाथ में कानून लेने का में आज़ादी दे दी गई तो इसका मतलब ये है कि ना अक्सरियत हिंदू आराम के साथ रह सकता है चैन के साथ, न मुसलमान रह सकता है। चुनाचे ऐसे भी वाक़ात हैं जिनके अंदर मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी कत्ल किया गया है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कानून आना चाहिए था, बहुत पहले नहीं आया, अब भी मौका है। हम कहते हैं कि कानून को लाना चाहिए, अगर नहीं लाएंगे तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप सारे लोगों से अब क्या अपील करेंगे इस क्रूशल वर्डिक्ट से पहले? बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम अपील वही करते हैं, सबको शांत रहना चाहिए। कोई भी फैसला आए ना, अगर मुस्लिम फरीक के हक़ में फैसला आता है तो हिंदुओं को शांत रहना चाहिए, अगर हिंदू फरीक के हक़ में फैसला आता है मुसलमानों को शांत रहना चाहिए। और भी सूरतें, फैसला क्या आता है ये बात की बात है, लेकिन ये बात तो कही जा सकती है कि मुल्क में अमन अमान को कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि मुल्क में अमन और शांति कायम रखना एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। देखा जा रहा है कि आरएसएस के मोहन भागवत से भी इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें यही चीज़ें सामने आई थी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि NRC को लेकर अमित शाह के बयान से अभी जमात उल हिंद थोड़ा नाराज़ है, लेकिन उस पर बीजेपी का क्या कहना है, वहाँ से बयान कभी सामने नहीं आया है। लेकिन बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है उसको लेकर जमात उल हिंद बहुत अपील कर रही है लोगों से कि शांति और अमन बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश पूरे देश में होनी चाहिए। हिमांशु के साथ मिलन शर्मा ने